हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट सैंड एग्रीगेट क्वांटिटी फॉर M15 ग्रेड कंक्रीट। M15 रेशियो होता है हमारा 1 सीमेंट, 2 सैंड, 4 एग्रीगेट। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे सम ऑफ रेशियो आएगा हमारा 1+2+4, सम ऑफ रेशियो 7। वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट 1.54 to 1.57 लेते हैं, ये श्रिंकेज और सेफ्टी फैक्टर होता है। अब हमने अज्यूम कर लिया, हमें सबसे पहले 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट वर्क में निकालना है सीमेंट सैंड एग्रीगेट की क्वांटिटी। वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट रिक्वायर इक्वल टू एग्रीगेट रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इनटू 1.57। हमारा आ गया एग्रीगेट रेशियो 4 बाय सम ऑफ रेशियो 7 इनटू 1.57। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा 0.89714 मीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सैंड रिक्वायर सैंड रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इनटू 1.57। सैंड रेशियो है 2, सम ऑफ रेशियो 7 इनटू 1.57। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा वॉल्यूम ऑफ सैंड 0.44857 मीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर इक्वल टू हो गया हमारा सीमेंट रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इनटू 1.57। सीमेंट रेशियो हो गया हमारा 1 बाय सम ऑफ रेशियो 7 इनटू 1.57। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट 0.22428 मीटर क्यूब। अब हम वेट ऑफ सीमेंट निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इनटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हमारा 0.22428 इनटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट हमारा होता है 1440। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा 322.97। हमारा ये वेट आ गया केजी में। अब हम जानते हैं कि 1 बैग सीमेंट का वेट होता है 50 kg। अब हम 322.97 को 50 से डिवाइड कर देंगे, हमारा नंबर ऑफ बैग निकल जाएगा। जब इसे हम सॉल्व करते हो तो हमारा आता है 6.459 बैग। हमारा 6.5 बैग लगेगा। अगर हमें M15 ग्रेड कंक्रीट का यूज करना है और हमें 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट वर्क को करना है तो हमारा एग्रीगेट 0.89714 मीटर क्यूब, सैंड 0.44857 मीटर क्यूब और सीमेंट 6.5 बैग लगेगा।